कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने बीएन चंद्रप्पा को कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले महज एक महीने पहले ही बीएन चंद्रप्पा को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चंद्रप्पा को तत्काल प्रभाव से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। चंद्रप्पा की नियुक्ति कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आर ध्रुव नारायण के पिछले महीने निधन के बाद हुई है। चंद्रप्पा कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं। बीएन चंद्रप्पा चित्रदुर्ग संसदीय सीट से 2014 में मोदी लहर के बावजूद भी चुनाव जीत चुके हैं और इसीलिए इन्हें कांग्रेस ने बीजेपी के सामने खड़ा किया है। येदुरप्पा के गढ़ सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है और सेंट्रल कर्नाटक में बीएन चंद्रप्पा का प्रभाव माना जाता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बीएन चंद्रप्पा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इस पूरे इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है। कर्नाटक इकाई का नेतृत्व डीके शिव कुमार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अब तक चुनाव के लिए 142 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बताया जा रहा है कि आर ध्रुव नारायण दलित समाज से आते हैं और चंद्रप्पा भी अनुसूचित जाति के हैं और इसलिए उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। प्रदेश में 5 कार्यकारी अध्यक्ष अभी हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार केपीसीसी के अध्यक्ष हैं। पार्टी के पास रामलिंगा रेड्डी, ईश्वर खंडरे, सलीम अहमद और अब सतीश जारकीहोली के रूप में पहले से ही 4 अन्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उसके बाद इस लिस्ट में चंद्रप्पा का नाम भी जुड़ गया है। चंद्रप्पा 2014 और 19 में चित्रदुर्ग से लोकसभा सदस्य भी चुने गए थे। खास बात तो ये है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार का दौरा करने वाले हैं और ऐसे में उनके दौरे से पहले कर्नाटक कांग्रेस में इस नियुक्ति को बेहद ही अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में जनसभा करने वाले हैं। कांग्रेस अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए 142 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। 2 लिस्ट में इन 142 उम्मीदवारों के नाम हैं। अन्य सीटों पर भी कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी हैं कि राहुल गांधी की 10 अप्रैल को होने वाली कोलार में जनसभा को रद्द कर दिया गया है। 10 अप्रैल को होने वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और अब ये कार्यक्रम 16 अप्रैल को होगा। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को ये जानकारी दी है और शिवकुमार ने यहाँ कहा कि गांधी की 10 अप्रैल को उसी स्थान से लोगों को संबोधित करने की योजना भी थी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भाषण के दौरान अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया है। कोलार वही सीट है जहां से 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का मुद्दा उठाया था जिसके बाद उन पर आपराधिक मानहानि का दोष भी लगा और उनकी सदस्यता भी गई, उन्हें अयोग्य ठहराया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान में महज कुछ ही दिन बचे हैं और कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस ने चुनावी जंग जीतने के लिए पूरी ताकतें झोंक दी हैं। कर्नाटक की सत्ता में बीजेपी की जो वापसी का सारा दारोमदार जो है वो सेंट्रल कर्नाटक इलाके पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि सेंट्रल कर्नाटक वही इलाका है जहाँ से बीएस येदुरप्पा इसी क्षेत्र से आते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी से येदुरप्पा के बगावत का फायदा कांग्रेस ने उठाया था और अब जब येदुरप्पा बीजेपी के खेवनहार बने हुए हैं तो ऐसे में कांग्रेस के सामने पिछला रिकॉर्ड दोहराने की बहुत बड़ी चुनौती है और 2018 की गलतियां कांग्रेस दोहराना नहीं चाहती। कर्नाटक के बीचों बीच बसे इलाके को सेंट्रल कर्नाटक कहा जाता है जिसमें कि शिमोगा, दावणगेरे और चित्रदुर्ग जिले आते हैं। इस इलाके में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। सेंट्रल कर्नाटक लिंगायत समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, बीजेपी का जो कि मजबूत वोट बैंक भी माना जाता है। लेकिन कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय पर अब मेहरबानी दिखाई है और अपनी लिस्ट में कांग्रेस ने 43 लिंगायतों को टिकट दिया है और इसी का नतीजा है कि लिंगायतों के कई मठ ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी कर रखा है। बीजेपी ने येदुरप्पा के चेहरे के सहारे पार्टी की सत्ता में वापसी की आस लगाए हुए है और इसी सीट से और इसके अलावा भी पूरे क्षेत्र में बीजेपी कमल खिलाने की जुगत में लगा हुआ है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा है कि वो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अधीन काम करना उन्हें पसंद है।
उन्होंने संकेत दिया कि अगर खड़गे को मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो वो मुख्यमंत्री पद पर नजर नहीं रखेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले डीके शिवकुमार का ये जो बयान है वो काफी चर्चा में आ चुका है और उनके बयान से कर्नाटक कांग्रेस में घमासान भी मच सकता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही पार्टी में उठल पुठल शुरू हुई उससे पहले ही हाईकमान ने शिवकुमार पर लगाम लगा दी है। कर्नाटक में शिवकुमार और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। सिद्धारमैया अपने समर्थकों के खातिर टिकट पाने के लिए भारी पैरवी में लगे हुए हैं और हाईकमान चुनाव के दौरान कांग्रेस में किसी भी तरह का फूट नहीं चाहता, किसी भी तरह का उथल पुथल नहीं चाहता और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा दाव खेला है, यानी बीएन चंद्रप्पा को ये जिम्मेदारी सौंपी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उम्मीदवारों से ये कहा है कि अगर मोदी के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा, चुनावी विमर्श को बदलने की कोशिश भी की जाएगी। गुजरात चुनाव के दौरान एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी ने इसी तरीके से रणनीति का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता हथियाने की जीत तोड़ कोशिश कर रही है। दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ भाजपा सत्ता में है। अब देखना है कि इस बार भाजपा अपने दुर्ग को बचा पाती है या नहीं और कांग्रेस फिर से अपनी सत्ता हासिल कर पाएगी कि नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।